रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा खुदा ताला को ख्वाब में देखना और फरिश्तों को ख्वाब में देखने की ताबीर। तो चलो शुरू करते हैं। खुदा ताला को ख्वाब में देखना, जो कोई खुदा ताला को ख्वाब में देखे इसकी तमाम हाजतें पूरी होंगी, मगफरत के साथ मखसूस होगा, सलाहकार और सलामती नफ्स पर दलील है। अगर कोई खुदा ताला को ख्वाब में देखे इसकी तमाम हाजतें पूरी होंगी, गम इसके पास नहीं आएगा और इसकी तमाम हाजतें मुरादें सब पूरी होंगी। फरिश्तों को ख्वाब में देखना, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का देखना, दुश्मन पर फतह पाएगा और अपनी मुराद को पहुंचेगा। अगर कोई हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अपनी ख्वाब में देखता है, कोई भी देखता है, तो वो दुश्मन पर फतह पाएगा, दुश्मन उससे कभी जीत नहीं सकता और अपनी मुराद को पहुंचेगा, उसकी तमाम मुरादें पूरी होंगी इंशाल्लाह। हज़रत मीका अलैहिस्सलाम को ख्वाब में देखना, खैर और बशारत पहुंचे, नहायत ही कदर व मंजिलत पाएगा, उसको खुशी मिलेगी और अपनी मंजिल को पाएगा जो उनसी उसकी मंजिल है। हज़रत इसराफील को देखना, कुव्वत और बुजुर्गी और इलम व दानिश पाएगा, वो ताकत पाएगा और इलम पाएगा और बुजुर्गी पाएगा। कोई भी अपनी ख्वाब में हज़रत इसराफील को अगर देखता है, वो कुव्वत पाएगा, ताकत पाएगा, बुजुर्गी पाएगा और इलम पाएगा। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को ख्वाब में देखना, अपने काम से मौजूद से हो और मौत के करीब है, इसका मतलब है कि वो अपने काम से पहले ही जो उसने सोचे हुए हैं उससे पहले ही उसको मौत आ जाएगी। कोई भी काम उसने सोचा होगा उसके पहले ही, अगर वो देखता है अपनी ख्वाब में हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को अपनी ख्वाब में, तो वो अपने जो उनसा भी उसने काम सोचा उससे पहले ही उसे मौत आ जाएगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।